तम तृतीय स्कंद उन्तीस अध्याय श्लोक संख्या २९ तत्रापि स्पर्श वेदिभ्य प्रवारारस वेदिना तेभ्यो गंधविद श्रेष्ठा तथा शब्द विदो वरा अक्रूर प्रभु इंद्रिय वृत्ति अनुभूति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर, कर ली है, वे उन जीवों से श्रेष्ठ है जिनकी इंद्रिय विकसित है पीछे पिछले श्लोकों में और निम्नतर योनियों की चर्चा हुई थी किस तरह जो जीव चल नहीं सकते हैं उसके बाद जो जीव चल सकते हैं और फिर पशु योनि और फिर अभी अलग अलग जीव जिनके अंदर इंद्रियों के अंदर विकास के माध्यम से उनकी योनि की श्रेष्ठता को बताए जा रहे हैं जिसके अंदर जितनी ज्यादा योनिया जितनी ज्यादा इंद्रिया है सक्रिय हैं उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ योनि का माना जाता है सुजाता माता जी पढ़िए तात्पर्य यद्यपि पाश्चात्य लोग मानते हैं कि विकासवाद की स्थापना सर्वप्रथम डार्विन द्वारा हुई किंतु मानव शास्त्र कोई नया नहीं है विकास प्रक्रिया आज से पांच हजार वर्ष पूर्व लिखे गए श्रीमद भागवतम के पहले से ज्ञात थी भगवान श्री कपिल के वचन प्रमाण है जो सृष्टि के प्रारंभ में विद्यमान थे यह ज्ञान वैदिक काल से चला आ रहा है और संपूर्ण विकास क्रम वैदिक साहित्य में उपलब्ध है क्रमिक विकास या मानव विकास का सिद्धांत विज्ञानविदों के लिए नया नहीं है यहाँ यह कहा गया है कि वृक्षों में भी विकास प्रक्रिया होती है और विभिन्न प्रकार के वृक्षों में स्पर्श का अनुभव पाया जाता है यह कहा गया है कि वृक्षों की अपेक्षा मछलियां श्रेष्ठ है क्योंकि उनमें स्वादेन्द्रिय विकसित है मछलियों मच्... से श्रेष्ठ मधुमक्खियां हैं जिनमें घृण शक्ति विकसित है और इससे भी श्रेष्ठ सर्प है जिनमें सुनने की शक्ति विकसित है रात्रि के अंधकार में सर्प मेंढक की लुभावनी ध्वनि सुनकर अपना भोज ढूंढ सकता है सांप समझ सकता है कि वहां पर मेंढक है और केवल उसकी ध्वनि से वो उसे पकड़ लेता है यह उदाहरण कभी कभी उन व्यक्तियों के लिए भी प्रयुक्त होता है जो मृत्यु के लिए शब्दोच्चार करते हैं मनुष्य जैसी जीव हो सकती है जो शब्द उत्पन्न कर सकती है किंतु तो ऐसी ध्वनि तो केवल मृत्यु का आह्वान करती है जीव तथा तो ध्वनि का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे महामंत्र का कीर्तन किया की जाए इससे क्रूर काल के हाथों से मनुष्य की रक्षा हो सकेगी हरे कृष्ण तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है वो एक तरह से गलत नहीं है अलग अलग इंद्रियों के विकास के माध्यम से ही हम जीवों की प्रकृति में देख सकते हैं कि कैसे जीवों की सृष्टि हो रही है लेकिन गलती का होती वहां जहां वो भगवान को नकार देते है वहां स्रोत रहे भगवान सभी योनियों के स्त्रोत रहे अगर ये स्वीकार कर ले तो डार्विन की थ्योरी तो पहले से ही शास्त्रों में दी गई है तो यहाँ पर जिस तरह बताया जा रहा है प्रोप उदाहरण से समझा रहे हैं कि कैसे वृक्षों में जान है लेकिन वृक्षों में इंद्रियों का विकास नहीं है जैसे वृक्ष वृक्ष सुन नहीं सकते हैं वृक्ष देख नहीं सकते हैं इत्यादि मछलियों के अंदर वह, वह स्वाद लेने की इंद्रिय है वह स्वाद लेने की इंद्रिय मछलियों के अंदर प्रबल है नहीं तो जब हम लोग देखते हैं कि लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो कांटे में कुछ कुछ खाना फंसाते हैं और उस खाने के लोभ में मछली फंस जाती है तो मछलियों के अंदर ये स्वाद लेने की इंद्रिय बड़ी प्रबल होती है फिर मधुमक्खियों का बताया मधुमक्खियों के अंदर सूंघने की प्रबल शक्ति होती है इसलिए तो मधुमक्खिया जा करके पुष्प के ऊपर बैठती है और फिर सर्प का बताया सर्प के अंदर सुनने की शक्ति होती है तो इस तरह से अलग अलग इंद्रियों के बल के आधार पर योनियों का विकास बताया जा रहा है रूप भेद विदस चुभ्यदो तो दता तेषां बहुपद श्रेष्ठ चतुष्पादस्त तो द्विपद सुनंदा माताजी। जी जय कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम धुनी सुन सक धुनी सकने धुनी सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो एक रूप तथा दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं इनसे अच्छे वे हैं जिनसे ऊपरी तथा निचले दांत होते हैं और इनसे भी श्रेष्ठ अनेक पांव वाले जीव हैं इनसे भी श्रेष्ठ चौपाई और चौपाई से भी बढ़कर मनुष्य है हरे कृष्णा तो भी और आगे बढ़ रहे हैं कि ध्वनि सुनने से भी ऊपर है रूप दर्शन करने वाले और रूप के माध्यम से व्यक्ति विचार कर पाता है कि क्या वस्तु क्या है रूप से ही हम समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति है यह वस्तु है यहां गड्ढा है यह चट्टान है इत्यादि और उसके बाद वो है जिनके दोनों दांत हैं ऊपर के और नीचे के कई जीव ऐसे हैं जिनके केवल एक तरफ के दांत होते हैं लेकिन वो और श्रेष्ठ हैं जिनके ऊपरी और निचली दोनों दांत हैं उसके अलावा अब जिनके अनेक पांव हैं जैसे कई जीव ऐसे होते हैं जैसे कैटरपिलर होता है अलग अलग जीव होते हैं जिनके बहुत सारे पाव होते हैं उसके बाद हैं चार पैर वाले यानी कि जानवर और उसके बाद दो पैर वाले यानी मनुष्य तो अब मनुष्य के स्तर तक यहाँ पर वर्णन किया गया है रुक्मणी चंद्रिका माता जी पढ़िए हरे कृष्णा प्रभु जी साधु नाम। शिवपाल जी की जय कहा जाता है कि कोवे जैसे कुछ पक्षी एक दूसरे रूप में अंतर कर सकते हैं बड़े जैसे जीव जिनके पैर होते हैं वे बिना पैरों वाले वृक्षों तथा वनस्पतियों से श्रेष्ठ है चार पैर वाले पशु अनेक पैर वाले जीवों से श्रेष्ठ है पशु से भी श्रेष्ठ मनुष्य है क्योंकि उसके केवल दो पैर होते हैं तो ये तो हुई अलग अलग जीवों की बात जहां पर पशुओं में पक्षियों में अंतर बताया गया और अब श्रेष्ठतम मनुष्य को बताया गया लेकिन मनुष्यों के भीतर भी विभाजन होता है मनुष्य के अंदर भी कोई श्रेष्ठ होते हैं और कोई निम्न होते हैं और उनका विचार किसके आधार पर होता है जन्म के आधार पर नहीं आगे श्लोक में बताया जा रहा है ततो वर्णश्च चत्वारस्तेशम ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेश्वःपि वेदज्ञो यर्थज्ञो भ्यदिकस्ततः नीलम माता जी पढ़िए हरे कृष्णा प्रभु जी धन्य वत्सलम मनुष्य में वह समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किए गया है और जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वह सर्वोत्तम समाज है ब्राह्मणों में वे में से जिन्हें जिसने वेदों का अध्ययन किया है वह सर्वोत्तम है और वेदज्ञ ब्राह्मणों में वे भी वेद के वास्तविक तात्पर्य का जानने वाले सर्वोत्तम है तो अब बताया जा रहा है कि जिस मनुष्य समाज में वर्णाश्रम का पालन किया जाए वर्णाश्रम के सिद्धांतों को अपनाया गया हो वह मनुष्य समाज बाकी मनुष्यों से उच्चतम है और उस वर्णाश्रम में जो बुद्धिजीवी है जो समाज को दिशा दिखा सकते हैं उनको ब्राह्मण बोला जाता है वह सर्वोत्तम समाज में सर्वोत्तम पथ पर माने जाते हैं ब्राह्मण कौन है ये भी आगे बताया जा रहा है ब्राह्मण कौन है जो वेद वेद को जानता हो जो वेद के मर्म को वेद के सिद्धांतों को जानता हो और उसके आधार पर वो समाज को शिक्षा दिखा सके वो है ब्राह्मण और वेदों के तात्पर्य को जो ना जानता हो उसको ब्राह्मण पदवी नहीं दी जा सकती तात्पर्य प्रफुल प्रभु तो हरिकृष्ण नाम गुण तथा कर्म के अनुसार मानव समाज का चार भागों में किया गया वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है आज भले ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र प्रणाली भारत में वर्तमान जाति प्रथा के कारण दूषित हो चुकी है किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रणाली दीर्घ काल से चली आ रही है क्योंकि इस क्योंकि इसका उल्लेख भागवतम तथा श्रीमद गीता में हुआ है जब तक मानव समाज में बुद्धिमान वर्ग योद्धा वर्ग व्यापारी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के रूप में सामाजिक विभाजन नहीं होगा तब तक यह गड़बड़ी बनी रहेगी कि कौन किस उद्देश्य से कर्म कर रहा है जो व्यक्ति परम सत्य को समझ सके वह ब्राह्मण है और तो ऐसा ब्राह्मण वेदज्ञ होता है तो वह वेदों का प्रयोजन समझ सकता है वेदों का प्रयोजन परम को समझना है जो व्यक्ति परम सत्य को तीन अवस्थाओं में ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के रूप में समझता है और जो श्री भगवान के पद का अर्थ समझता है वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अथवा वैष्णव समझा जाता है बोलते थे कि इसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को आप समाज से अलग कर ही नहीं सकते यद्यपि लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अभी हम वर्णाश्रम का पालन नहीं करेंगे लेकिन आप कोई भी कंपनी में जाइए क्या वहां पर लेबर क्लास क्लर्क क्लास मैनेजरल क्लास और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास अलग अलग नहीं है क्या वहां पर मीटिंग सारे लेबर्स के साथ में मिलकर के करते हैं नहीं मीटिंग करने वाले अलग लोग हैं मैनेजरियल लोग अलग है फिर सेल्स वाले लोग अलग हैं लेबर लोग अलग है। कोई भी आप बड़ी कंपनी में जाएंगे इस तरह विभाजन आपको देखेगा आप सिक्योरिटी गार्ड अलग है, स्कूल में, अलग है स्कूल में बच्चे अलग हैं उधर माली अलग है हर व्यक्ति अपने स्वभाव के कर्म के अनुसार विभाजित है लेकिन क्योंकि हमने उसमें ऐसे अध्यात्म को अलग कर दिया है वो दिशाहीन हो गए हैं लेकिन ये चार वर्णों को ये चार आश्रमों को चार वर्णों को हम समाज से अलग कर ही नहीं सकते लेकिन अगर हम इसको ठीक प्रकार से अपनाएं और इसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ भगवान को केंद्र रखते हुए कार्य करें तो वो वर्णाश्रम मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ स्तर है जिस तरह यहाँ पर बताया जा रहा है अब आगे अर्थ संशया चेता तथा श्रेयान स्व मुक्त संगस्त तो भूयान अदोग्धा धर्म आत्मना प्रमोदानंद प्रभु जी हरे कृष्ण बहुत धन्यवाद वेदों का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वे मनुष्य श्रेष्ठ है जो सारे संशयों का निवारण कर दे और उससे भी श्रेष्ठ वे है जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है उससे भी श्रेष्ठ समस्त बहुत ही कलमश मुक्त व्यक्ति इससे भी श्रेष्ठ तथा शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भक्ति करता है हरे कृष्ण अब यह श्लोक यह श्लोक अपने आप में कितना स्पष्ट श्लोक है इसमें बताया जा रहा है किस प्रकार केवल वेद वेदों को समझना ही आवश्यक नहीं है वेदों के मर्म को समझना है वेदों के तत्परे को समझना है कि वो क्या समझाना चाहते हैं समाज को और उसके अनुसार जो समाज को दिशा दिखाए समस्याओं का निवारण करने में मदद करे वो ब्राह्मण बाकी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ कौन है जो ब्राह्मण स्वयं के जीवन में उन सिद्धांतों को दृढ़ता पूर्वक पालन करे बताना तो बहुत आसान है भारत में सभी रायचंद हैं आप कोई भी चीज बोलेंगे तुरंत लोग राय देने लगेंगे लेकिन ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है जो शास्त्रों के बताए हुए नियमों को दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में पालन करे और उनसे श्रेष्ठ है मुमुक्षु, जो मुक्ति के लिए हो, और सबसे श्रेष्ठ है भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित है वह भगवान के शुद्ध भक्त निष्काम भाव से जो भक्ति में लगे हुए हैं ऐसे भक्त सर्वश्रेष्ठ है तात्पर्य श्रुति माता जी को का, 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 का अनुभव तीन भिन्न अवस्थाओं में ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के रूप में किया जाता है यदि किसी के पास इस ज्ञान के अतिरिक्त परम सत्य के विषय में उठाए जाने वाले संशयों को दूर करने की क्षमता भी हो तो वह श्रेष्ठ माना जाता है ऐसा भी हो सकता है कि विद्वान ब्राह्मण वैष्णव समस्त को दूर कर दे किंतु यदि वह वैष्णव नियमों का पालन नहीं करता तो वह उच्च पद पर स्थित नहीं रहता उससे समस्त संशयों को दूर करने तथा साथ ही समस्त ब्राह्मण के लक्षणों से युक्त तो होना चाहिए। ऐसे भक्ति जो वैदिक आदेशों के अभिप्राय को जानता है जो वेदों द्वारा अनुमोदित नियमों को व्यवहार में लाता है और अपने शिष्यों को इसी विधि से शिक्षा देता है वह आचार्य कहलाता है आचार्य का पद ऐसा है कि वह भक्ति करता है किंतु जीवन में उच्च पद प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखता वैष्णव सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त ब्राह्मण होता है जो वैष्णव परम सत्य के विज्ञान को जानता है किंतु अन्य को इस ज्ञान का उपदेश नहीं करता वह निम्न अवस्था में माना जाता है जो न केवल परमेश्वर के विज्ञान को जानता है अन्य को उसका उपदेश भी देता है वह द्वितीय अवस्था में रहता है और जो न केवल उपदेश देता है वरण प्रत्येक वस्तु को परम सत्य में और परम सत्य को प्रत्येक वस्तु में देखता है वह सर्वोच्च श्रेणी का वैष्णव है यहाँ उल्लेख हुआ कि वैष्णव पहले से ब्राह्मण रहता है निसंदेह वैष्णव होने पर ही ब्राह्मण की पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है तो ब्राह्मण अपने जीवन में वैदिक साहित्य में सिद्धांतों को जो बताया गया है उसको दृढ़ता से पालन करता है वैष्णव एक और कदम आगे बढ़ जाता है वैष्णव दूसरों को ब्राह्मण बना देता है वैष्णव दूसरों को सत्व पद पर अग्रसर करता है वैष्णव करुणावान होता है और इसीलिए वैष्णव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है वैष्णव को ब्राह्मण का भी ब्राह्मण का भी पूर्ण स्वरूप वैष्णव को बताया गया ऐसा बोलते हैं कि भगवान जो बोलना चाहते हैं भगवान जो शास्त्र में बताना चाहते हैं वो जानता है ब्राह्मण लेकिन उसको करता है वैष्णव <laughs> जब पूर्णतः भगवत इच्छा में अपने आप को व्यक्ति निमग्न कर देता है और दूसरों के उत्थान के लिए कार्यरत होता है उसको वैष्णव बोलते हैं इसलिए नरसी मेहता ने लिखा है वैष्णव जन तो तेने जो पीर पर के कष्ट को जान करके दूसरों की मदद करने के लिए दूसरों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए वैष्णव तत्पर रहते हैं। तस्मा तस्मान मई अर्पित से निरंतरा मई अर्पितात्मसो न पश्या परम भूतु कृष्णा प्रभुजी प्रभु प्रणाम अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है हरे कृष्ण और, और स्पष्टीकरण कर रहे हैं पिछले श्लोक में जो बताया उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं भगवान बोल रहे हैं मुझे उस व्यक्ति से और कोई बड़ा दिखता ही नहीं है कोई बोल सकता है अच्छा ठीक है भगवान ने वैष्णव तक बताया है लेकिन हो सकता है आगे कोई और हो आगे शाक्त हो शौर्य हो गणपत्य हो अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं भगवान शायद इतना ही बता रहे हैं नहीं भगवान स्पष्टीकरण कर रहे नहीं तस्मात अर्पिता जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित है जिन्होंने अपने क्रिया कर्म इत्यादि सब पर अपने जीवात्मा स्वयं को ही जिसने मुझे अर्पित कर दिया है ऐसे व्यक्ति से बड़ा कोई है ही नहीं समा उसके बराबर कोई नहीं उससे बड़ा कोई नहीं ऐसे बड़ा मैं कोई व्यक्ति देख ही नहीं रहा हूं जो भगवत भक्त है तात्पर्य बसंत प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी धनवत प्रणाम तात्पर्य इस श्लोक में समदर्शनाथ का अर्थ है कि उसका कोई पृथक स्वार्थ नहीं होता भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक से हैं उदाहरणार्थ भक्त रूप में भगवान श्री चैतन्य ने भी इसी दर्शन का उपदेश दिया कि कृष्ण ही पूज्य भगवान है और उनके शुद्ध भक्तों का स्वार्थ रुचि उनका निजी स्वार्थ कभी-कभी मायावादी चिंतक अपने अल्प ज्ञान के कारण सम सम शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं कि भक्त को भगवान तथा अपने आप को एक करके देखना चाहिए यदि कोई अपने को भगवान मान ले तो फिर उनकी सेवा करने का प्रश्न ही नहीं उठता जब सेवक जब सेवा है तो स्वामी सेवी भी होना चाहिए सेवा के लिए तीन बातें होनी चाहिए स्वामी सेव सेवक तथा सेवा यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जिसने भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपना जीवन अपने कर्म मन तथा आत्मा सब कुछ अर्पित कर दिए हो उसे महापुरुष समझना चाहिए अकर्तु शब्द का अर्थ है किसी प्रकार के स्वामित्व भाव के बिना हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी कर्ता बनना चाहता है जिससे वह फल भोग सके किंतु भक्त को ऐसी इच्छा नहीं रहती वह कर्म करता है क्योंकि भगवान उससे विशेष प्रकार से कर्म कराना चाहता है उसका कोई निजी मंतव्य नहीं रहता जब भगवान श्री चैतन्य भक्ति का उपदेश देते थे तो उनका मंतव्य यह नहीं था कि लोग उन्हें भगवान श्री कृष्ण माने अपितु तो उन्होंने उपदेश दिया कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी इसी रूप में पूजा होनी चाहिए जो भक्त भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र सेवक होता है वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता भगवान की तुष्टि के लिए ही सब कुछ करता है अतः यह स्पष्ट कहा गया है मई संस्त कर्म भक्त कर्म करता है किंतु भगवान के लिए करता है यह भी कहा गया है मैया अर्पिता मैया अर्पितात्मना मै वह मुझे अपना मन अर्पित करता है ये सब भक्त के गुण है और इस श्लोक के अनुसार वह मनुष्यों में सर्वोपरि माना जाता है हरे तो भक्त भक्त के लक्षण क्या है ये भी कपिल मुनि बता रहे हैं भक्त सर्वश्रेष्ठ है इसका मतलब ये नहीं कि भक्त कोई निर्जन स्थान में बैठ करके केवल भगवान के ऊपर ध्यान करे नहीं जो अपने कर्मों को पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित करता है मन बुद्धि शरीर वच वाचा मना काया सब भगवान के ऊपर समर्पित करता है वो भक्त है तो इसीलिए ये तीन वस्तुएं आध्यात्मिक है इस भौतिक संसार में तीन ही वस्तुएं आध्यात्मिक है बाकी सब भौतिक है एक भगवान स्वयं दूसरा जीवात्मा और तीसरा उनके बीच का संबंध भक्ति इन तीन वस्तुओं के अलावा बाकी सब भौतिक है तो जब जीवात्मा अपने कर्मों के साथ भक्ति को जोड़ लेता है भक्ति के माध्यम से भगवान के ऊपर समर्पण करता है वह भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है मन सहित भूतानी प्रणमेद बहुमानयन ईश्वरो जीव कालया प्रविष्टो भगवन विनोद प्रभु पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम ऐसा पूर्ण भक्त प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट कर रहते हैं हरे कृष्ण प्रभु ऐसे भक्त के लिए कोई भेदभाव नहीं है ऐसे भक्त के लिए हर वस्तु भगवान की शक्ति का ही प्रकाश है इसलिए हर जीव को वह यथा सम्मान देकर हरे शील प्रभु पाद की जय जैसा कि पूर्व में कहा गया है पूर्ण भक्त भूलकर भी कभी यह नहीं सोचता कि क्योंकि प्रत्येक जीव शरीर के भीतर परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रविष्ट है अतः प्रत्येक जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बन गया है यह मूर्खता है नहीं होता कि वह व्यक्ति बन गया है इसी प्रकार परमेश्वर समस्त चौरासी लाख योनि के शरीर में प्रविष्ट हुए हैं किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि इनमें इनमें से प्रत्येक शरीर भगवान हो गया है किंतु चूंकि परमेश्वर उपस्थित है अतः शुद्ध भक्त प्रत्येक शरीर को श्री भगवान का मंदिर मान लेता है और चूंकि भक्त ऐसे प्रत्येक मंदिर को पूर्ण चेतना में रहकर प्रणाम करता है अतः वह प्रत्येक जीव को श्री भगवान के परिपेक्ष में प्रणाम करता है मायावादी चिंतकों का यह सोचना अनुचित है कि निर्धन व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट रहने के कारण श्री भगवान दरिद्र नारायण हो गए हैं ये नास्तिकों तथा आभक्तों के निंदनीय है हरे प्रभु जी जैसे मान लीजिए कोई सरकार का व्यक्ति हमारे घर पे आया कोई भी कारण से तो हम उसको सम्मान देते हैं क्योंकि सरकारी आदमी लेकिन हज का मतलब ये नहीं कि हर सरकारी आदमी को हम प्रधानमंत्री मानने लगेंगे प्रधानमंत्री अलग है वो सरकारी व्यक्ति उस प्रधानमंत्री का एक रिप्रेजेंटेटिव है उसी तरह से भगवान हर जीव के हृदय में है इसीलिए हम उनको सम्मान करते हैं इसका मतलब ये नहीं वो जीव भगवान बन गया नहीं भगवान अलग है भगवान उसके हृदय में केवल निवास कर रहे हैं प्रोपा उदाहरण दे रहे हैं कमरे में कोई व्यक्ति आने का मतलब कमरा वो व्यक्ति नहीं बन गया है वो व्यक्ति स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए क्योंकि वो वहां अवस्थान कर रहा है इसलिए हम उस जगह को सम्मान कर रहे हैं तो ये स्पष्ट होना चाहिए। भक्ति योगस्च योगस्च मया मानवे उद्धिरिता उदीरिता ययोर एकातरे नेवा पुरुषम पुरुषम ब्रजेत पुरुषह पुरुषम ब्रजेत युगल प्रिया माताजी किरण माताजी प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु हरे कृष्ण हे माता हे मातृ मन पुत्री मनु पुत्री जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता तो मनो की कन्या देवोति माता को कपिल मुनि बता रहे हैं अभी सारांश बता रहे हैं इसी प्रकार जो भक्ति में संलग्न हो भगवान को अपना जीवन का उद्देश्य माने हर जीव में भगवान की उपस्थिति देखे ऐसे भक्त को भक्ति के माध्यम से भगवान का धाम प्राप्त होता है तात्पर्य अनिकेत प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी हम पढ़े हाँ अभी एक मिनट अनिकेत प्रभु के बाद नेक्स्ट आप पढ़ने हरे कृष्णा प्रभु दंडोत प्रणाम तात्पर्य यहाँ पर भगवान कपिल देव ने ठीक ठीक बताया है कि अष्टांग योग इस उद्देश्य से संपन्न किया जाता है जिससे भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो सके मनुष्य को केवल आसन लगाने का अभ्यास करके तथा अपने को पूर्ण समझकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए ध्यान के द्वारा उसे भक्ति योग की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए जैसा कि पहले कहा जा चुका है योगी को चरण तल से पावों घुटनों जांगों से होते हुए वक्षस्थल और गले तक भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करना चाहिए और धीरे धीरे उठते हुए उनके मुखमंडल तथा आभूषणों तक पहुंचना चाहिए निराकार में ध्यान का कोई प्रश्न नहीं उठता जब भगवान के इस प्रकार विस्तृत ध्यान के बाद भगवत प्रेम की बारी आती है तो यही स्तर भक्ति योग का है और इस स्तर पर उसे दिव्य प्रेम बश, भगवान की वास्तविक सेवा करनी चाहिए जो कोई योग का अभ्यास करके भक्ति योग तक पहुंचता है वह भगवान को उनके दिव्य धाम में प्राप्त करता है यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है पुरुष पुरुषम व्रजित जीव परम पुरुष के पास जाता है गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक है दोनों ही पुरुष कहलाते हैं जीव तथा भगवान दोनों में पुरुष के गुण होते हैं पुरुष का अर्थ है भोगता और भोग की भावना जीव तथा परमेश्वर दोनों में पाई जाती है अंतर इतना है कि दोनों में भोग की मात्रा बराबर नहीं होती जीव भगवान के तुल्य आनंद का अनुभव नहीं कर पाता यहाँ तक यहां एक निर्धन तथा एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत लिया जा सकता है दोनों में भोग की इच्छा उपस्थित है किंतु जब निर्धन व्यक्ति व्यक्ति अपनी इच्छाओं को धनी व्यक्ति के साथ जोड़ देता है और जब धनी तथा निर्धन व्यक्ति में परस्पर सहयोग होता है तो भोग समान रूप से भोगा जाता है यह भक्ति योग जैसा है पुरुष पुरुषम ब्रजित जब जीव भगवान के धाम में प्रवेश करता है और उनको आनंद प्रदान करते हुए उन्हें सहयोग पहुंचाता है तो उसे उतना ही आनंद या वही सुविधा प्राप्त होती है जो भगवान को होती है इसके विपरीत जब वह भगवान इसके विपरीत जब वह भगवान की नकल करके भोग करना चाहता है तो उसकी इच्छा माया कहलाती है और यह उसे भौतिक जगत में ला देती है जो जीव अपने लिए ही भोग करना चाहता है और ईश्वर को कोई संयोग नहीं देता वह भौतिकतावादी जीवन में लगा रहता है किंतु जो ही वह अपना भोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ जोड़ देता है और वह आध्यात्मिक जीवन बिताने लगता है यहा, यहा पर एक उदाहरण दिया दिया जा सकता है शरीर के विभिन्न अंग स्वतंत्र रूप से जीवन का आनंद नहीं उठा सकते उन्हें पूर्ण शरीर के साथ सहयोग करना चाहिए तथा पेट को भोजन देना चाहिए ऐसा करने पर शरीर के भिन्न भिन्न अंग सारे शरीर के संयोग से समान रूप से भोग करते हैं अचिंत्य भेदाभेद का यही दर्शन है अर्थात एक साथ एकत्व तथा अंतर ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीव जीवन का आनंद नहीं भोग सकता उसे भक्तियोग के अभ्यास द्वारा अपने सारे कार्यकलाप भगवान के साथ करने होंगे यहाँ पर मनो पुरुष पुरुषम दो पुरुष बताए गए हैं एक पुरुष जीव है जो छोटा भोगता है जो भगवान की इच्छा के अनुसार अपने आप को ढालेगा तो आनंदित रहेगा स्वतंत्र रहने का प्रयास करेगा तो परेशान रहेगा और दूसरा है परम पुरुष जो स्वतंत्र है जो भगवान है तो इसलिए यहाँ पर यह अंतर भेद है कि भगवान बड़े हैं जीवात्मा अणु है और क्योंकि दोनों के गुण एक जैसे हैं इसलिए अभेद भी है यानी कि दोनों के अंदर अंतर नहीं है इसलिए इस तत्व को बोला जाता है अचिंत्य भेद अभेद तत्व ये चैतन्य महाप्रभु ने हमको अचिंत्य भेद भेद तत्व सिखाया युगल प्रिय माता जी पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम यहाँ यह कहा कहा गया है कि या तो योग विधि से या भक्ति योग के द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है यह संकेत संकेत करता है कि यथार्थ में योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों का लक्ष्य विष्णु है किंतु आधुनिक युग में एक नवीन योग पद्धति निर्मित की गई है जो शून्य तथा निराकार को लक्ष्य बनाती बनाती है वस्तुतः तो योग का अर्थ है विष्णु के स्वरूप का ध्यान यदि प्रमाणिक निर्देश के अनुसार योग अभ्यास किया जाए तो योग का भक्ति योग में कोई अंतर नहीं रह जाता तो जो योग अभ्यास में निराकार के ऊपर ध्यान करना बताते हैं तो ये कपिल मुनि के बताए हुए सिद्धांत को कैसे पालन करेंगे भगवान कपिल मुनि बोल रहे हैं चरणों का ध्यान करो, करो छाती का ध्यान करो मुख कमल का ध्यान करो, करो तो, निराकार का तो ये सब रूप नहीं होता है तो फिर कैसे ध्यान करेंगे इसीलिए ये योग पद्धति को कपिल मुनि नकार रहे हैं और भक्ति योग को प्रधानता दे रहे हरे कृष्ण क्रंथ राष्ट्रमद भागवतम की जय श्रीपात की इसी का कोई प्रश्न है yes. रवि प्रभु प्रश्न है, yes. है जी के जब हम संपूर्ण जगत में सभी लोगों में ईश्वर के अंश को देखते हैं उनके हृदय में परमात्मा को ध्यान रखते हुए सब कर्म करते हैं, तो कई बार ये संचय होता है कि जो बैलेंस होता है प्रकृति का फॉर एग्जाम्पल कि आ, किसी के साथ हम बहुत अच्छे से आ, मतलब व्यवहार करते हैं और हमें पता होता है कि सामने वाला गलत है और उसी समय हम ये देखते हैं कि ये प्रभु की लीला ही है प्रभु की लीला से ही सब कुछ हो रहा है और सामने वाला इस समय जो कर रहा है वो उनकी प्रेरणा से ही कहीं ना कहीं हो रहा है तो उस समय किस तरह से व्यवहार रखना चाहिए और क्या हमें उस समय रखना चाहिए या फिर से ही काम जैसे टीचर क्लास में बच्चों को देखते हैं टीचर को पता है सारे बच्चे अच्छे घरों से ही आए हैं टीचर को पता है सारे बच्चे अभी छोटे हैं सेंसिटिव हैं लेकिन जब कोई बच्चा शरारत करता है तो टीचर को उनको अनुशासन करना पड़ता है वो अनुशासन करना टीचर का अपराध नहीं है लेकिन जिसका अधिकार नहीं है वह अधिकार के बाहर जब जाता है वह घृणा के कारण जब मारता है घृणा के कारण जब क्रोध करता है तो वो ठीक नहीं टीचर जब घृणा करने लगे तो वो गलत है अगर अपनी जिम्मेदारी मान करके अगर बच्चों को संशोधन करे तो उसमें कोई गलती नहीं उसी प्रकार हम जिस भी क्षेत्र में हैं हमारे कुछ जिम्मेदारियां हैं जैसे मानो कोई व्यक्ति की बड़ी एक कंपनी है उस कंपनी में कुछ लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं चोरी कर रहे हैं धोखा दे रहे हैं और वो ये सोचे कि हाँ भगवान इनके हृदय में है, तो भगवान ही तो चोरी कर रहे हैं तो फिर उसका व्यापार नहीं चलेगा भगवान को हृदय में दर्शन करने का मतलब है सबको यथा उचित सम्मान देना ये यथा उचित सम्मान देना बहुत महत्वपूर्ण है जिसको जितना सम्मान देना चाहिए उतना सम्मान दें लेकिन बाह्य दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है और आप उस अधिकार पर है उसको संशोधन करने के तो आप उसको संशोधन कर सकते हैं वो सम्मान उनका संशोधन करना उनका सम्मान करना है जैसे मान लो अगर कोई मरीज का डॉक्टर इलाज ना करे डॉक्टर ये सोचे कि अरे ये मरीज के अंदर तो भगवान है मैं इसको कैसे सुई लगाऊंगा मैं इसको कैसे सर्जरी करूंगा तो फिर वो बीमारी रह जाएगा तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है लेकिन सम्मान के साथ ये उसका मतलब

वही दृष्टांत भागवत को महान बनाता है भागवत मतलब उसमें कुछ एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे कई डॉक्टर्स का प्रमोशन कैसे होता है कि उन्होंने फोर्थ डिग्री कैंसर को ठीक कर दिया ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है अब हो सकता है हम फर्स्ट डिग्री कैंसर पर हो हमारा ठीक ना हो अगर हम ठीक से पालन ना करें तो लेकिन वो डॉक्टर ने फोर्थ डिग्री भी क्लियर किया है ये एक रेयर एक्सेप्शन है जो बताया जा रहा है उसी तरह से अजामिल का भी उद्धार हो गया ये एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है इसके माध्यम से हरिनाम की महिमा बता रहे हैं कि अगर अजामिल इस स्थिति में रहते हुए भी नाम जब किया और उसका उद्धार हो गया तो अगर हम गंभीरता से भगवान का नाम लें तो कितना उद्धार हो सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि अजामिल जैसे हम भी अंत में अपने कोई रिलेटिव को बुलाएंगे या फिर कोई और माध्यम से भगवान को बुलाएंगे भगवान उद्धार कर देंगे ये उसका मतलब नहीं है उसका मतलब है कि अगर उसका उद्धार हो सकता है तो हमारा उद्धार क्यों नहीं हो सकता ये जरिए बताया गया है प्रभुपाद अपनी किताब में लिखते हैं सेकंड सेकंड चांस चांस में कि अजामिल को मिली जरूरी नहीं आपको मिले तो ऐसा नहीं है कि मतलब सबको ये चांस मिले लेकिन उस उदाहरण से हरिनाम की महिमा को बताया जा रहा है एक और क्वेश्चन है छोटा सा प्रभु जी दंडवत और प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ये दोनों में क्या फर्क है दोनों एक ही है इंग्लिश और हिंदी का अंतर है दोनों एक ही बात थैंक यू सो मच सुनंदा माता जी कई विदेशी भक्त हैं जिनको दंडवत प्रणाम का मतलब नहीं पता होता है इसलिए वो दंडवत प्रणाम भी बोलते हैं और फिर बोलते हैं प्लीज एक्सेप्ट वो ठीक है जिस तरह हम संस्कृत में कोई बात अगर उच्चारण करते हैं उसका मतलब हमको नहीं पता होता है फिर हम हमारी भाषा में भी उसको बोलते हैं तो ये गलत नहीं है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। यस yes, सुनंदा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम ये परम सत्य असत्य का अनुभव तीन अवस्थाओं में किया जाता है ब्रह्मा परमात्मा और भगवान तो ये तीन रूपों में किया जाता है मिस क्या होता है मिस हमें हमें कैसे वो स्टेज इसके लिए क्या करना पड़ेगा जैसे मानो आपको मिठाई खाने की इच्छा है आप मिठाई खाने के लिए जा रहे हो बहुत बड़ी दुकान है और उसमें एकदम गरम गरम मूंग दाल का हलवा बन रहा है गाजर का हलवा बन रहा है और मैसूर पाक बन रहा है और बहुत सारी मिठाइया वहां पर बन रही है तो आप जब गाड़ी पार्क करो वहीं पर आपको खुशबू आ रही अब वो खुशबू आना क्या मिठाई को जानना नहीं है हाँ जानना तो है कि यहाँ पर मिठाई है लेकिन अभी तक आपने मिठाई को देखा नहीं अभी तक आपने मिठाई को खाया नहीं केवल आपने उसकी सुगंध ली है तो ये भी मिठाई के बारे में कुछ जानकारी है लेकिन अपूर्ण जानकारी है अब आप दुकान के पास में गए अब आपने काउंटर पे मिठाइया देखी सजी हुई हैं अलग अलग ट्रे में अलग अलग रंग की बढ़िया ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग हुई है अभी आप उसको देख रहे हो ये आपका दूसरा साक्षात्कार हुआ कि अभी आपने सुगंध भी ले ली और आपने मिठाई को देख भी लिया अब जब आप मिठाई को अपने हाथों में लेकर के मुख में डालोगे तो वो आपका तीसरा साक्षात्कार हुआ अब आपने मिठाई को अब आपने मिठाई को स्वाद किया है अब देखिए दूसरे टाइम जब आपने मिठाई को देखा था तो आपको सुगंध भी मिल रही थी और दर्शन भी मिल रहा था दूसरे साक्षात्कार में दोनों था और जब आपने मिठाई को अपने मुख में डाला तो आपने उसको दर्शन भी किया आपने उसकी सुगंध भी ली आपने उसका स्वाद भी लिया ये हुआ तीसरा इसी प्रकार ये तीन स्तर हैं भगवान को जानने के ब्रह्म थी भगवान शब्द थे जब केवल ब्रह्म साक्षात्कार हो निराकार रूप में भगवान की शक्तियों को हम पहचाने भगवान की प्रकृति को हम पहचाने ये भगवान का प्रथम साक्षात्कार लेकिन ये पूर्ण नहीं है उसके बाद योगी हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं वो दूसरा साक्षात्कार है उसमें वो भगवान की शक्तियों को भी देख पाते हैं और परमात्मा को हृदय में भी दर्शन कर पाते हैं लेकिन भक्त भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं क्योंकि भगवान को चलता फिरता लीला करते हुए और भगवान को सेवा के माध्यम से वह पूर्ण रूप से साक्षात्कार करता है तो ये तीन स्तर भगवत साक्षात्कार के बताए गए प्रभु जी हम ब्रह्म ज्योति के स्टेज पर भी नहीं है इसका मतलब जाना क्यों है मान लो कोई व्यक्ति दुकान पे ये लिखे कि मिठाई सूंघने के लिए पांच रुपए मिठाई देखने के लिए पंद्रह रुपए मिठाई खाने के लिए बीस तो आप क्या करोगे पांच रुपए देकर मिठाई सूंघोगे क्या नहीं, नहीं। बीस रुपए मिठाई खरीदेंगे उसमें सुगंध भी है उसमें दर्शन भी है ऐसे ही भगवत भक्त पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में संलग्न होते हैं उसमें ब्रह्म साक्षात्कार परमात्मा साक्षात्कार अपने आप है वो अलग अलग रूप से उसमें जाने की आवश्यकता नहीं प्रभु जी अंतरंग शक्ति राधा रानी के बताया गया है कि भगवान भगवान भी उनके लिए इतना राधा रानी के लिए सहचे भाव में बताया गया है कैंटो में में तो इसका क्या है मिज़? अभी तो हम सारे कृष्ण कृष्ण के लिए ये कर रहे हैं लेकिन हमें जानना है तो अंतरंगा शक्ति देखिए राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं जब हम सामान्यता प्रचार में कृष्ण बोलते हैं इसलिए क्योंकि राधा तत्व समझना बहुत कठिन है इसलिए हम कृष्ण शब्द इस्तेमाल करते हैं लेकिन गौड़ीय वैष्णव मतलब है जो राधा रानी के भक्त हैं जो कृष्ण के भक्त को कार्श ने बोलते हैं वो राधा रानी के भक्त नहीं है लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव राधा रानी के भक्त हैं जो राधा रानी के भक्त उनको बोलते हैं गौड़ी है। तो इसीलिए हम लोग ये तत्व का सामान्यतः प्रचार में इस्तेमाल नहीं करते लेकिन हमारा जप है राधा और कृष्ण का हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण तो जब भी हम भक्ति करते हैं हमारे कोई मंदिर में अकेले कृष्ण की प्रतिमा नहीं मिलेगी राधा कृष्ण की प्रतिमा है तो इस तरह से राधा कृष्ण के हम उपासक हैं और वही भावना से हम अगर कोई भी जगह पे कृष्ण शब्द पढ़े तो उसका मतलब है राधा कृष्ण जैसे प्रभुपाद कहीं भी प्रचार में बोल रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करना है मतलब राधा कृष्ण को प्रसन्न करना है वो अपने आप हमको समझ लेना चाहिए हम पढ़ते हैं तो प्रभु जी राधा रानी का मीस कृष्ण राधा रानी के लिए कुछ कर रहे प्रयास में है हम हम सारी मीस ब्रह्मांड कृष्ण के पीछे और कृष्ण राधा के पीछे ये तत्व कैसे समझना है प्रभु इसके लिए चेतन चरता अमृत होगा चेतन चरता अमृत में ये तत्व विशेष रूप से बताया है तो अभी हम क्रमबद्ध रूप से चलेंगे अभी तीसरे स्कंद पर हैं धीरे 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 चर्चा करें बसंत प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवत प्रणाम प्रभु जी मेरा दो प्रश्न था छोटे छोटे हैं एक तो ये है कि जैसे अभी लास्ट में बताया कि भक्ति योग और योग में कोई अंतर नहीं तो मैं जो समझ रहा था कि भक्ति योग एक पैकेज है जिसमें सारा चीज है जैसे अगर हम भगवान के लिए कोई कर्म करते तो कर्म योग भी इसमें आ जाता है और जैसे आपने ध्यान के बारे में बताया कि भगवान के चरण से लेके मुक्त और तो ये सही समझ रहे हैं और इसमें ध्यान भी हो गया सब हो गया किसी हाँ, को किसी को भगवान के लिए भक्ति, किसी को... भक्ति मतलब पूर्ण पूर्ण भगवान के साथ युक्त तो होना भक्ति योग है जैसे गीता में भगवान ने बताया सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है जो मुझे भक्ति योग के माध्यम से संलग्न होता है तो उसमें ध्यान कर्म तपस्या वैराग्य सब कुछ सम्मिलित है है इस पूर्ण दूसरा दूसरा था प्रोजी की मैंने स्वप्न में देखा कि मेरी मृत्यु हो गई है तो मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि एक्चुअल में जो हमारे पास मुझे तो पता नहीं कि कब तक इस शरीर में है तो एक तरफ हमारे जो कर्तव्य है जो आ, हमारे इस जीवन की आ, और दूसरी तरफ हमारा जो ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है तो आ, आ, मतलब वैराग्य और इसको आ, किस तरह से बैलेंस करना है? क्योंकि हमको ये भी नहीं पता है कि कब हम शरीर छोड़ सकते हैं। हरे कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है कभी भी अपने जिम्मेदारियों को अलग समझने की जरूरत ही नहीं है आपके जो परिवार का आप ध्यान रख रहे हो आपके जो घर का ध्यान रख रहे हो वो भी कृष्ण के लिए है ये अलग अलग नहीं है भक्ति की यही तो विशेषता है भक्ति अलग अलग क्रियाओं के में पार्थकता नहीं करती ज्ञान वैराग्य में कर्म कांड में क्रिया अलग है उद्देश्य अलग है गंतव्य अलग है लेकिन भक्ति में क्रिया उद्देश्य गंतव्य सब एक है यहां पर हम हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए करते हैं अगर ये चेतना हमारी आ जाए तो घर ही वृंदावन है घर ही गोलोक वृंदावन है आप ये सोचिए कि आपका परिवार कृष्ण का परिवार है कृष्ण की कृष्ण ने आपको जिम्मेदारी दी है इस परिवार की सेवा करने के लिए जैसे हम वैष्णव सेवा करते हैं तो वैष्णव सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं उसी तरह आपके घर में माता जी जब करती हैं परिवार में आपकी दादी जब करती हैं पिताजी जब करते हैं सब पूरा घर तो भक्त है तो उनकी सेवा करना मतलब वैष्णव सेवा आप कर रहे हो और सबसे बड़ी बात कोई के घर में जब ना भी करे तो भी ये जिम्मेदारी भगवान ने दी है तो जिम्मेदारी का निर्वाह हम कर रहे हैं तो जिम्मेदारी का निर्वाह करते करते हम कृष्ण को अगर स्मरण करें तो वो भक्ति है साथ में अपना माला का जप करना है साथ में अपना भागवत अध्ययन करना है और इस तरह जीवन जीते, जीते जीते जिस दिन भी भगवान बुलाएंगे उस दिन हम चले जाएंगे इसके लिए अलग से प्रयास क्या है भक्त को ये चिंता नहीं है भक्त को अपने उद्धार की चिंता है ही नहीं कोई बड़े आदमी का बेटा होता है उसको ये चिंता होती है कि उसका कल का खाना कहां से आएगा इसी तरह हम भगवान के ऊपर समर्पण किए हैं खुद के मुक्त होने की चिंता तो होनी नहीं चाहिए केवल केवल सेवा करना है केवल अपनी भगवत चेतना में आगे बढ़ना है बस और भक्त के लिए कोई भी क्रिया अलग अलग नहीं ये सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है अर्जुन को अठारह अध्याय लगे समझने में आसान नहीं है अगर हम पूरी भगवदगीता पढ़े तो भगवान यही तो समझा रहे हैं कि अपने कर्मों में मुझे दर्शन करो ये सबसे बड़ा संन्यास है अठारहवे अध्याय में फिर भगवान उसको बता रहे हैं कि कर्म संन्यास क्या है कर्म संन्यास मतलब मेरे ऊपर सारे क्रियाओं को समर्पित करो या कपिल मुनि भी वही बोल रहे हैं मत कर्माणी संन्यास सारे कर्मों को मेरे ऊपर अर्पित करो यही हमको सीखना है अगर हमने ये सीख लिया तो हर क्रिया हमारी कृष्णमय है, है हर क्रिया हमारी भक्ति है फिर भक्त के लिए अलग अलग जीवन नहीं है कि ये मेरा भौतिक जीवन ये मेरा आध्यात्मिक जीवन नहीं हर क्रिया कृष्ण कृष्ण भक्ति जी थैंक यू सो मच प्रभु हरे प्रभु गुरु वैष्णव अनुगति लेक्स महाराज बता रहे थे कि हम कुछ भी सेवा करें को मतलब कोई भी अच्छे से नाम करें लेकिन जब तक हम किसी शुद्ध भक्त के चरणों की शरण ग्रहण नहीं करते या उनकी सेवा नहीं करते तब तक हम नाभा नामाभस की स्टेज पर रहते हैं उसके बाद जाके शुद्ध नाम की कुछ आ, आशंका की जा सकती है तो मुझे नामाभस समझ में नहीं आता प्रभु क्या होता है आभास मतलब किसी वस्तु का किसी वस्तु का प्रथम अनुभव जैसे जब सूर्य उदय होता है तो सूरज नहीं दिखता है थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखता है थोड़ी थोड़ी आकाश में लालिमा दिखती है उसको बोलते हैं सूर्य आभास अभी सूर्य का दर्शन नहीं हुआ है लेकिन सूर्य का आभास हुआ है उसी तरह नाम आभास मतलब जब व्यक्ति अपराधों से तो मुक्त हो गया है लेकिन उसके शुद्ध नाम का अभी उदय नहीं हुआ है अभी वो केवल बीच की स्थिति में न्यूट्रल स्थिति में है क्योंकि हमारे प्रयास से हम केवल नाम स्तर तक पहुंच सकते हैं हमारे प्रयास हम से हम अपराधों से मुक्त तो हो सकते हैं लेकिन शुद्ध नाम नहीं कर सकते क्योंकि शुद्ध नाम कृष्ण स्वयं है कृष्ण को कोई व्यक्ति थोड़ी पकड़ सकता है कृष्ण को कोई व्यक्ति वश में थोड़ी कर सकता है हाँ एक व्यक्ति कर सकते हैं वो है भगवान के शुद्ध भक्त कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार शकती आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे हे वैष्णव आचार्य कृष्ण आपकी संपत्ति है मैं कृष्ण को चाहता हूँ लेकिन मैं कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता आपके बिना इसलिए मैं आपके पीछे पीछे कृष्ण कृष्ण बोल करके भाग रहा हूँ आप मुझे कृष्ण को दे दीजिए तो ऐसे शुद्ध वैष्णव फिर शुद्ध नाम को देते हैं तो अपने प्रयास से हम नाम अपराध से मुक्त हो सकते हैं और जो नाम अपराध से मुक्त हुआ है वो इस तरह नाम आभास लेकिन शुद्ध नाम केवल वैष्णव हमको प्रदान कर सकते हैं तो इसीलिए वैष्णवों के अनुगत्य होकर वैष्णवों के शरण में जाकर ही हम शुद्ध नाम को प्राप्त कर सकते हैं थैंक यू सो मच प्रभु प्रभु महाराज ऐसा कह रहे थे कि हरि नाम ही मतलब हमारे संप्रदाय में नाम ही साधन है और साध्य है प्रभु साध्य है समझ में आया लेकिन साधन है मतलब साधन मतलब प्रोसेस साध्य मतलब डेस्टिनेशन तो साध्य और साधन दोनों एक ही जैसे हम जो अभिदेह पालन करते हैं हरि नाम का जप ही तो करते हैं हमारी भक्ति मतलब क्या हरि नाम का जप, तो ये साधन हो गया और जब के माध्यम से शुद्ध नाम तक पहुंचेंगे भगवत कृपा से गुरु कृपा से तो वो साध्य भी हो गया तो भक्ति का यही मजा है जैसे कर्म कांड अनुष्ठान कोई व्यक्ति करता है वो कर्मकांडी अनुष्ठान अलग है और उससे मिलने वाले फल अलग है लेकिन भक्ति में हरिनाम ही साधन है हरिनाम की हम प्रक्रिया को पालन करते हैं और अंत में शुद्ध नाम ही व्यक्ति को मिलता है तो वो साध्य भी वही है रिजल्ट भी वही है मतलब गुटली भी एक है और फ्रूट भी एक है ये है भक्ति यस yes, प्रभु समझ आ गया थैंक यू सो मच गौरी शंकर प्रभु प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी एक क्वेश्चन बहुत दिन से मेरे मन में था कि वृंदावन गए थे तो वृंदा देवी का जो पीला तोता था वहाँ पर आया था आपकी माध्यम से बोला गया था तो वो पीला तोता आज भी आरती में रोज आता आते हैं क्या वो क्या पूछना था वो दिन से तोता तोता हां पीला तोता हां <laughs> मुझे मालूम नहीं प्रत्येक भौतिक दृष्टि से वृंदावन का दर्शन हम नहीं कर सकते वृंदा देवी के तोते को देखने के लिए भी आपको आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए तो हरि नाम का जप अच्छे से कीजिए भागवत का श्रवण अच्छे से कीजिए पहले अपनी दृष्टि को आध्यात्मिक कीजिए उसके बाद तूता तो नहीं पूरा आध्यात्मिक संसार आपको वहीं दुकान में बैठे बैठे दिखेगा ठीक है <laughs> रंगनी प्रिया माता जी हरे प्रभु जी दंडवत प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर हम हम जानते हैं कि उनके अंदर परमात्मा कोई हम गलती गलत कर रहा है हमारे साथ लेकिन हम मतलब उनसे बस खाली इतनी दूरी डिस्टेंस रख लिया बाकी कृष्णा हमारे लिए अंदर उनके लिए कोई वो नहीं है तो ये कोई अपराध तो नहीं है तो... मैं कल भी ये चर्चा कर रहा था परसों अगर इस तरह कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कोई कठिनाई ला रहा है हम उससे दूर रह सकते हैं दूर रहना अलग बात है और अपराध करना अलग बात है हम दूर रह सकते हैं लेकिन परमात्मा का अंश हर जीव में है इसको कैसे हम नकार सकते हैं जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल क्या आग के अंदर भगवान नहीं है आग के अंदर भगवान है कि नहीं तो इसका मतलब ये है कि हम आग के अंदर अपना हाथ डालेंगे आग के अंदर हाथ डालेंगे नहीं नहीं डालेंगे उसी तरह कोई जीवात्मा भगवान से पृथक नहीं है भगवान सबके हृदय में है लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में हानि पहुंचा रहे हैं हम उससे दूर रहेंगे बस लेकिन ये समझना है कि हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा है ये समझने में दिक्कत नहीं जैसे चाकू के अंदर परमात्मा है इसका मतलब ये नहीं चाकू हमारे पेट में हम डाल दें हमें यथा योग्य वस्तु का कैसे इस्तेमाल करना है वो हमको करना चाहिए लेकिन भगवान की उपस्थिति हर वस्तु में उसको हम कैसे नकार सकते और तो प्रभु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने के बाद मेरा गुरु का संग नहीं हो पा रहा मैं उनसे नहीं मिल पा रही हूँ तो मेरी मतलब भक्ति में क्या मतलब गुरु की संगति गुरु की संगति से ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरु के आदेश पहले जमाने में शिष्य गुरु को एक ही बार मिलते थे बस एक बार गुरु तो भ्रमण करते रहते थे ना मोबाइल फोन होता था ना कोई टेलीकॉम ना कोई इंटरनेट गुरु भ्रमण करते हुए रास्ते में किसी को मिलते थे दीक्षा दे करके उनको निर्देश दे करके आगे चले जाते फिर जीवन में दोबारा गुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं थी बस वही आदेश को अपना जीवन मान करके शिष्य पूरा जीवन गुरु की सेवा करते थे तो अभी बहुत कुछ अरेंजमेंट है हमको पता रहता है गुरु कहाँ है कहाँ शेड्यूल है कहाँ क्लास हो रही है फ्लाइट से चले जाएंगे वहाँ दर्शन करके आ जाएंगे अच्छा है लेकिन गुरु की सेवा मतलब है गुरु के आदेश की सेवा करना और हमारे प्रथम गुरु हैं शिला प्रभुपाद हम लोग इस्कॉन में हैं हमारे प्रथम गुरु शिला प्रभुपाद हैं उनके निर्देश हम रोज पढ़ रहे हैं अगर हम इस्कॉन में रहते हुए इस्कॉन संस्था की सेवा करें और प्रभुपाद जी के निर्देश का पालन करें तो हमारे दीक्षा गुरु सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे उनकी व्यक्तिगत सेवा से भी ज्यादा प्रसन्न होंगे अगर हम प्रभुपाद के निर्देश का पालन करें तो उनका संग ज्यादा जरूरी नहीं है उनके निर्देशों का पालन करना ज्यादा जरूरी है हां ठीक है हरे कृष्णा प्रभु जी दीपिका माता जी हरे कृष्णा गुरु जी दनवत प्रणाम प्रभु जी जीव और भगवान गुणात्मक दृष्टि से एक है तो जीव को क्रोध आता है तो भगवान को भी क्रोध आता होगा बिल्कुल अगर भगवान के अंदर क्रोध ना होता तो हमारे अंदर क्रोध क्रोध कैसे आता आता भगवान को बहुत आता है जब माता यशोदा उनको छोड़ करके दूध को लेने के लिए गई तो क्या भगवान के अंदर क्रोध नहीं आया दामोदर लीला में हम देखते हैं और सबसे बड़ा तो जब जीवात्माएं भगवान के भक्तों को परेशान करती तो क्या भगवान को क्रोध नहीं आता चैतन्य में महाप्रु ने सुदर्शन उठा लिया जगह मधाई का वत करने के लिए तो अगर भगवान के अंदर कोई गुण ना होता तो हमारे अंदर नहीं आता इसलिए भगवान सभी गुणों केन्दना माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम थैंक यू सो मच प्रभु जी इतनी अच्छे तरीके से आप समझाते हैं कि समझ आ जाता है थैंक यू सो मच फॉर दैट Uh, मेरे को क्वेश्चन तो नहीं आपने एक बार ये बोला था कि भगवान के चरणों का उनकी जंगाओं का ग्लोरीफिकेशन ये ग्लोरीफिकेशन कहाँ मिलेगा? अलग अलग भागवत के सत्र में अलग-अलग लीलाएं हैं जैसे वहां पर कपिल मुनि खुद ने उदाहरण दिए हैं चरणों का उदाहरण दिए हैं कि कैसे भगवान के चरण गंगा के स्त्रोत्र हैं कैसे भगवान के चरणों को लक्ष्मी सेवा करती है ऐसे ही अलग अलग जो भगवान की लीलाएं हैं जैसे हम ब्रह्मांड लीला पढ़ रहे हैं अभी भागवत में मंदिर में सुबह के समय चल रही है तो ब्रह्मांड का दर्शन माता यशोदा ने भगवान के मुख में देखा तो अब भगवान के मुख को जब भी देखेंगे तो क्या हम ये स्मरण नहीं कर सकते हैं कि देखो ये सारा विश्व भगवान के मुख के अंदर है माता यशोदा ने मुख के अंदर दर्शन किया तो ऐसे एक एक अंग जैसे जैसे हम लीला श्रवण करेंगे जैसे जैसे भागवत का पाठ करेंगे भगवान के अलग अलग अंग की महिमा हम लोग देखेंगे दर्शन करेंगे और उसको स्मरण करना चाहिए अगर कुछ स्मरण ना भी हो तो भगवान के सामने खड़े होकर कम से कम इतना भाव आना चाहिए कि ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है ये सभी के स्त्रोत्र हैं मैं भी इनसे आया हूँ तो मैं इनकी सेवक मैं उनके सेवा करना चाहिए मुझे इनके सेवक के रूप में रहना चाहिए कम से कम इतना स्मरण होना चाहिए और एक और बात है भक्ति रिसम्र सिंधु में प्रभुपाद ने बोला है अगर कुछ भी प्रार्थना ना आए तो पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रार्थना दोहरानी चाहिए इतने सारे वैष्णव भजन हैं हम उनको दोहरा सकते हैं भगवान के सामने इतने सारे श्लोक हैं अगर हम कुछ श्लोक ना याद कर सके पेपर पे लिख के ले जा सकते हैं, कि हैं। है? so yes. किरण माता जी हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी जैसे किसी के परिवार में पितृ तो कैसे हटेगा प्रभु जी वो कहते हैं कि अगर कुछ भोग लगाते हैं भगवान पर तो वो की वजह से जो है वो मतलब लेते नहीं है ऐसा कहीं लिखा है जी पर लिखा है इस तरह <स्था> <स्था> ये प्रश्न आपको उनको पूछना चाहिए जिन्होंने बोला है जिस तरह भगवान गीता में बोले हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ति अप्रेक्ष जो भक्ति के साथ अर्पण करेगा अश्नामी मैं प्राप्त करता इसके ऊपर और कोई सिद्धांत नहीं है तो भगवत भक्ति का ये भौतिक बंधनों से कोई लेना देना नहीं ये भगवत भक्ति परम लक्ष्य के लिए हाँ पितृदोष है तो आप किसी ज्योतिषी के पास जा सकते हैं वो अलग बात है जैसे मानो आपकी हड्डी टूटी तो आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाओगे उसी तरह कोई कर्मकांड करने की अगर इच्छा है तो कर्मकांडी ब्राह्मण के पास जा सकते हैं उसका कोई भक्ति से लेना देना नहीं भगवान की भक्ति इन सभी क्रियाओं से स्वतंत्र है इन सब व्यक्ति क्या पित्र भगवान से इतने बड़े हो गए कि भगवान उनकी वजह से भोग नहीं लेंगे क्या ये ये हम, ये हम सिद्धांत ठीक बैठता है कोई भी शक्ति भगवत भक्ति से बड़ी नहीं तो हाँ अगर कोई व्यक्ति को ये सब काम करना है तो वो जा सकते कर्म कांडी ब्राह्मणों के पास लेकिन भक्ति से सर्वश्रेष्ठ कोई क्रिया नहीं जब भगवत भक्त कोई बनता है तो सारे ऋणों से वो मुक्त हो जाता है ठीक है हरे कृष्ण प्रभु थैंक यू प्रभु

उनको दोष नहीं लगता है अगर भगवान ईर्षा करते भी हैं तो भी भगवान को दोष नहीं है जीवात्मा को दोष है जैसे मानो कोई बड़ा है। कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति व्यक्ति है चलते फिरते दो दो लाख रुपए बांट रहा है उसको दोष नहीं है लेकिन कोई व्यक्ति जिसके खाते में ही दो लाख रुपए है वो किसी को चलते फिरते दे, दे तो उसके घर वाले उसे खूब कुटाई करेंगे जो बड़ा व्यक्ति है उसको दोष नहीं होता है लेकिन जीवात्मा क्योंकि अणु है उसके अंदर यही गुण अनर्थ बन जाते हैं भगवान क्रोध करते हैं हम लीला के माध्यम से उसको पढ़ रहे हैं भगवान अगर कोई घमंड दिखाते हैं भगवान ईर्षा दिखाते हैं भगवान लोभ दिखाते हैं तो वो लीला के माध्यम से हम पढ़ते हैं सुनते हैं समझते हैं लेकिन वही चीज हम लोग करेंगे तो वो अनर्थ के रूप से गिनी जाएगी क्योंकि जीवात्मा का अपना एक दायरा है वो अपने एक दायरे में ही काम करेगी तो वो अच्छी दिखेगी ठीक है जी प्रभु जी प्रभु जी मेरा ये एक और प्रश्न था कि जैसे अपने क्रोध के उदाहरण दिए मतलब लीला के ही माध्यम से तो ईर्षा का ऐसा कोई है क्या उदाहरण भगवान, क्या भगवान का उदाहरण तो अभी तो नहीं याद आ रहा है याद आएगा तो फिर बताएंगे प्रभुपाद प्रभुपाद खुद बोलते हैं परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर की शुरुआत में कि भगवान से सारे गुण आते हैं दुष्टता भी भगवान से आती प्रभुपाद बोलते हैं देखो कृष्ण कितने दुष्ट थे हाँ गोपियां जा रही हैं उनको पकड़ करके उनको परेशान कर देते तो ये दुष्टता है तो दुष्टता भी भगवान से आती है हर गुण भगवान से आता है तो उस तरह ईर्ष्या भी भगवान से ही आती सारे नहीं तो भगवान से अगर ना आती तो ये सारी वस्तुएं इस संसार में प्रकट कैसे होती तो सारे गुण ही भगवान से आते हैं लेकिन जीवात्मा के ऊपर वो गुण अच्छे नहीं देते जी जी थैंक यू सो मच हरे कृष्ण मुख्य गोपी माता जय श्री मधुर माता ओके यस मुख्य माता हां कुछ मेरे दो प्रश्न है एक तो ये कि हम जैसे सुनते हैं कि हम जब भक्ति में स्ट्रगल करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम माया के जब दायरे में जाते हैं या फिर हम भगवान को भूल जाते हैं हमें हमेशा उनकी सतत याद में रहना चाहिए तो हम हमारा जब भी अच्छे से होता है श्रवण कीर्तन ये जो भी प्रोसेस दिया गया इसीलिए दिया गया लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हम लोग नाम जप में स्ट्रगल करते हैं और कभी कभी हम बिल्कुल मन नहीं लगता जप में उसका एक यही रीजन है कि को भूल जाते हैं या फिर एक और भी क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है अभी हम प्रारंभिक स्तर पे हैं अभी हम साधन भक्ति के स्तर पे है जब धीरे दी, धीरे धीरे अनर्थों का शमन होता है तब जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भक्ति करने लगता है तो अभी क्योंकि हम प्रारंभिक स्तर पे हैं, इस भक्ति के पथ को गंभीरता से पालन करते रहना चाहिए और जब हम इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ेंगे वही साधन वह स्वतः रागानुगा या हम सिंपल शब्दों में बोलें तो स्वाभाविक रूप से जो भक्ति स्वतः अंदर से आती है उस रूप में परिणत हो जाएगी फिर जब हमारे लिए एक आनंद का स्त्रोत्र होगा तो भक्ति हमारे लिए एक आनंद का स्त्रोत्र होगी तब उस समय पर किसी को हमको जबरदस्ती भक्ति नहीं करानी होगी हम अपने आप सुबह उठेंगे हम अपने आप मंगला आरती करेंगे हम अपने आप हरिनाम का जप करेंगे हम अपने आप भागवत श्रवण करेंगे लेकिन तब तक के लिए थोड़ा अपने आप को फोर्स करना है क्योंकि हम बीमार हैं बीमारी से उठने के लिए थोड़ा थोड़ा समय लगता है प्रबजी, प्रबजी, हम शरणागति शरणागति हम बार बार डिस्कस करते हैं ना मुझे एग्जैक्ट शरणागति किसको बोलेंगे फिर बहुत बड़ा विषय है शरणागति के छह अंग हैं कि कैसे शरणागति को पहचाना जाए सर्वप्रथम शरणागति मतलब दैन्यता विनम्रता को शरणागति बोलते हैं अगर कोई विनम्र है मतलब वो शरणागत है दूसरा आत्मनिवेदन स्वयं को भगवान के ऊपर आश्रित करना यानी अपनी सारी क्रियाओं को भगवान के ऊपर आश्रित करना हम जो कुछ कर्म करें भगवान को अर्पित करके करें वो शरणागति उसके बाद भक्ति के जो अनुकूल है तीसरा है भक्ति के अनुकूल है वही क्रियाओं को हम स्वीकार करते हैं जो भक्ति के अनुकूल है वो हम तुरंत स्वीकार कर लेते हैं चौथा जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको हम तुरंत त्याग देते हैं हमें कोई देखे चाहे ना देखे जो भक्ति के प्रतिकूल है हम उसको नहीं, नहीं स्वीकार करेंगे जो भक्ति के अनुकूल है हम उसको स्वीकार करेंगे पांचवा भगवान को हम अपना मेंटेनर यानी कि पालक रूप से स्वीकार करते हैं गो तृप्ति वरण कि वास्तव में मेरा पालन कर रहे हैं भगवान स्वयं तो मेरे जीवन में क्या चिंता है जब भगवान मेरे पालक हैं तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए और छठवा है रक्षक रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन कि भगवान हमको रक्षा करें कोई परिस्थिति में हमारे रक्षक भगवान स्वयं ये छह गुण शरणागति के हैं इनके द्वारा शरणागति को पहचाना जा सकता है लेकिन सरल शब्दों में अगर हम पहचानना चाहें शरणागति मतलब अगर हम भगवान के आदेश गुरु के आदेश को पालन करने के लिए गंभीर हैं तो ये शरणागति का लक्षण अगर, अगर हम ना भी पूरा कर पाए गंभीरता जरूरी है हम बार बार गिरेंगे फिर उठेंगे लेकिन गंभीरता से अगर कोई पालन करने का प्रयास कर रहा है तो वो शरणागति का लक्षण है जी अभी आ, ये भक्ति के प्रतिकूल वाली हमें त्याग करना चाहिए कभी कभी हम माइन्यूटली चेक करें अगर हम किसी पे होते हैं या फिर कहां पे होते हैं सब चीजें हम कहा अच्छे से नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं इस परिस्थिति में हूँ मेरी शरणागति इतनी नहीं है कि मैं इन चीजों को त्याग कर पाऊ आप मुझे मदद कीजिए तो इस तरह कम से कम भावना अंदर होनी चाहिए जैसे कई भक्तों का इस तरह जॉब होता है कि वो लोगों को पूरा दिन वहां पर बिताना होता है वो लोग प्रार्थना करते हैं भगवान मैं पूर्ण रूप से आपको सेवा नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आप मेरी मदद कीजिए भगवान भावग्राही है तो भावना को भगवान ग्रहण करते हैं कि नहीं ये जीव इस क्रिया से आसक्त नहीं है वास्तव में मुझसे ही आसक्त है लेकिन ये प्रार्थना कर रहा है कि कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ू भगवान उसकी मदद करेंगे ठीक है प्रभु जी थैंक यू सो मच जय श्री मधुर माता जी श्री कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी मेरा कोई पोर्शन नहीं है पर मैं ये कहना चाहती हूँ आप बहुत अच्छे से समझाते हैं उदाहरण भी बहुत अच्छे से देते हैं कि बिल्कुल इजीली हम लोगों को समझ में आ जाता है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी थैंक यू सो मच हरे कृष्णा वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है जो कुछ सीख रहे हैं अपने वरिष्ठ भक्तों से गुरुजनों से सीख रहे हैं उसी को दोहरा रहे हैं अक्रूर प्रभु मेरे कृष्ण अभिवंदन करता हूं तो बोली आत्मनिवेदन के ऊपर अभी अपना शरणागति के निष्कर्ष बताया थोड़ा सा विस्तार विस्तार से सब्जेक्ट ही बहुत विस्तृत है इसको बताने के लिए फिर बहुत समय चाहिए लेकिन आत्मनिवेदन मतलब स्वयं की क्रियाओं को स्वयं को भगवान के ऊपर आश्रित करना कि मैं जो कुछ करूंगा भगवान के लिए करूंगा जैसे हम चर्चा कर रहे थे बसंत प्रो के प्रश्न में ये जो कुछ हम करें भगवान के उद्देश्य से करें ठीक है दीपिका माता जी अरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम मेरा क्रोध भी वापस फिर से है कि फिर भगवत गीता में जो बुद्धि क्रोध की वजह से बुद्धि का जो ना, नाश हो जाता है उसके आठ स्टेप बताए हुए हैं तो फिर क्रोध को कैसे कंट्रोल करें वो जी गुण तो भगवान के हमारे में भी नहीं क्रोध को वश में करने के लिए सारे अनर्थों को वश में करने के लिए भगवत चेतना में हमको आगे बढ़ना है जब क्रोध को भगवत सेवा में लगाएंगे तो क्रोध कंट्रोल में आएगा क्रोध कीजिए जो भगवत द्वेषी है उनके ऊपर क्रोध कीजिए लेकिन स्वयं के केंद्रित के लिए क्रोध करेंगे तो आप आप बंधन में पड़ते चले जाएंगे इसलिए भगवत नाम का जब भागवत श्रवण ये श्रवण और कीर्तन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है जितना ज्यादा हम श्रवण और कीर्तन करेंगे उतना अनर्थों से मुक्त होते जाएंगे ठीक ठीक है, थीक है हरे कृष्ण अलका माता जी ओके। आरती माता जी हरे कृष्ण आप प्रभु जी एक्चुअली प्रश्न है पहला तो जैसे हम अभी भागवतम श्रवण कर रहे हैं आपकी आ मतलब यूट्यूब पे जो लिंक है वो सुनती रहती हूँ और कभी ऐसा भौतिक समस्या आ जाती है तो एकदम हो स्वाभाविक है मतलब जितना सुना वो सारा होके वापस उस के, क्योंकि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं है यही तो सूचक है कि हम शुद्ध भक्त नहीं है इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि मुझे और ज्यादा श्रवण कीर्तन की आवश्यकता है अगर मैं अपना श्रवण और अपने हरिनाम का जब ठीक से कर रहा हूं तो ये समस्याएं कम होती जाएंगी समस्याएं कम होती जाएंगी मतलब भाई दृष्टि से नहीं समस्याएं कम होती जाएंगी मतलब मेरा जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो श्रद्धा है मेरे आध्यात्मिक जीवन में जो श्रद्धा है वो और दृढ़ होती जाएगी तो इसीलिए हमको इन परिस्थितियों में ये समझना चाहिए कि मुझे और ज्यादा भगवत आ, कृपा की आवश्यकता है मुझे और ज्यादा अपने हरिनाम को प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है उस तरह समझना चाहिए क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं में रहे हम अगर उस स्तर भक्त, भक्त की, की प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है। तो इस तरह प्रार्थनाओं के माध्यम से हरिनाम के जप के माध्यम से इन समस्याओं के ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए जीए। जीए। जैसे बच्चे हैं घर में तो कई बार बच्चे बात नहीं सुनते हैं और मतलब वो गलत भी नहीं कर रहे हैं पर क्या है कि भाई अभी एज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं पर गलत है उनको बताना पड़ता है बार बार समझाना पड़ता है तो जो, जो जो चैंटिंग किया मन शांत है पर वो बच्चे के पीछे चिल्लाना पड़ता है तो फिर मन अशांत हो जाता है फिर ऐसा लगता है कि भगवान के बच्चे हैं हम तो बस इनके केयर टेकर है हम बच्चे को कैसे डांट रहे हैं मार रहे हैं तो फिर वो मन में गिल्टी आता है तो मतलब समय पर समय पर बच्चों के साथ बैठकर उनको बताना देखो मेरी ये जिम्मेदारी है इसलिए मैं तुमको डांटती हूँ उनको प्यार से समझाना प्रभुपाद के पिताजी सुनते तो ही नहीं है प्रभुपात जी के पिताजी इस तरह करते थे पहले डांट देते थे फिर उनको समझाते थे कि देखो ये मेरी जिम्मेदारी है मैं इसलिए तुमको डांट रहा हूँ ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए और बच्चे तो अभी छोटे हैं उनके अंदर इतनी समझ होती तो फिर वो बच्चे क्यों कहलाते बच्चे तो बच्चे ही हैं तो उनको उस तरह से आपको शासन करना भी पड़ेगा माता पिता का ये कर्तव्य है कि बच्चों को शासन करे एक एज के बाद टीन एज के बाद फिर आपको शासन नहीं कर पाएंगे लेकिन अभी जितना समझा सकते हैं अभी तो आपकी जिम्मेदारी है वो करना भी चाहिए देखिए दो मार्ग हैं या तो विधि मार्ग है या फिर सब छोड़ छाड़ के जी बनने का मार्ग अब बाबा जी तो आप है नहीं तो अब घर गृहस्थी में है तो अब वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी वो निभाते हुए भक्ति करिए अभी डिसीजन तो हो गया है अभी शादी कर ली है अभी बच्चे कर लिए हैं तो उनको पालन करना तो कर पड़ेगा ही ठीक है <laughs> मंजू माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी धनमत प्रणाम प्रभु जी जैसे आपने शरणागत के स्टेज बताए प्रभु जी जैसे हम माला कर रहे हैं चैंटिंग कर रहे हैं जो चार नियम के पालन वो कर रहे हैं और प्रभु जी तीन साल से भक्ति में है और प्रभु जी जो भी आ, मतलब भगवान कृष्ण के लिए जो भी हमारे शिक्षा गुरु या कोई भी बताते हैं या शास्त्रों में लिखा हम उसका पालन कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं प्रभु जी तो क्या हम प्रभु जी अपने आप को शरणागत माने या किस स्टेज में माने प्रभु जी इसको शरणागत भक्त कभी भी अपने आप को शरणागत नहीं मानता है उसको हमेशा यही लगेगा कि मैं दुष्ट हूं मैं पतित हूं मैं पापी हूं ये शरणागति ये गुरु वैष्णवों को महसूस होती है ये गुरु वैष्णव स्वीकार करते हैं कि हम कितने शरणागत हैं वो ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए ये विचार हमारा नहीं ठीक है जी प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी अलका माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी आ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अगर हंड्रेड परसेंट भगवान के ऊपर अपने आप को मतलब सरेंडर कर दें भगवान की भक्ति करते हुए सेवा करते हुए तो इसे हम शरणागति कह सकते हैं शरणागति एक बहुत विस्तृत टॉपिक है जैसा कि मैंने बताया उसके छह अंग हैं तो ये प्रमाण करना कि हम शरणागत हैं कि नहीं हमारे बस की हमारे बस में नहीं है क्योंकि पहला ही अंग शरणागति का है विनम्रता दैन्यता मतलब अपने आप को छोटा समझना तो वो व्यक्ति कैसे समझ पाएगा कि मैं शरणागत हूँ कि नहीं तो ये बहुत ही कठिन कठिन चुनाव है कि मैं शरणागत हूँ कि नहीं लेकिन गुरु वैष्णव ये समझ पाते हैं कि ये भक्त शरणागत है कि नहीं तो उनके ऊपर छोड़ टीचर के ऊपर है कि कितने नंबर देगा ये हमारा काम नहीं ठीक है ठीक है लास्ट क्वेश्चन हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी शिक्षाष्टकम में आता है ना ना धनम ना जनम ना संगतम इसमें ना जन्म का क्या मतलब है यानी अनुयाई अनुयाई रखना ये भी बहुत बड़ा एक इंद्रिय तृप्ति है कि हाँ कुछ लोग मेरी बात सुने कुछ लोग मुझे काउंसलर बना लें कुछ लोग मुझे पालन करें मेरी बात माने मुझे दंडवत करें मुझे माला पहनाएं ये भी एक मिथ्या

भगवान के हर अंग का हमें दर्शन करना चाहिए तो ये हम घर में भी ऐसे ही हैं या मंदिर के लिए है ये सभी स्थान में जहाँ भी हम भगवान का दर्शन करते हैं इसी तरह दर्शन करना चाहिए ठीक है हरे कृष्ण ग्रंथ राष्ट्रमत भागवतम की जय श्री प्रभु जी दंडन प्रणाम प्रभु जी मैं मंजरी बोल रही हूँ कि जो आपसे जो व्यक्ति आपको हानि पहुंचाते हैं उनसे आप दूर रहिए लेकिन इनसे फिर हमें उसको देखते हुए उसके प्रति नेगेटिव आते हैं इच्छा होती है वो कैसे दूर हो सकते प्रभु जी देखिए बीमारी का इलाज बीमारी में नहीं होता है बीमारी का इलाज दवाई में होता है तो उस व्यक्ति के अंदर इलाज नहीं है उस व्यक्ति के अंदर सॉल्यूशन नहीं है सॉल्यूशन कहाँ है हमारे श्रवण और कीर्तन में है हम इतना ज्यादा शुद्ध हो जाए हम इतना ज्यादा अपनी भगवत चेतना में उत्कृष्ट हो जाए कि ये बातें हमको प्रभावित ही ना करें वो व्यक्ति वैसा की वैसा ही रहने वाला है वो नहीं सुधरने वाला है ना आपको तो तो संबंध सुधरने वाला है लेकिन आप अपनी चेतना को ऊपर ले जा सकते हो कि आपको उनके बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले ये सलूशन हम कर सकते हैं ठीक है तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इतने लेवल पर जा सके प्रभु जी मैं जा सकूं मैं पहले तो से ही है चालू थी शो के प्रभु जी बहुत नाइस क्लास थी प्रभुजी। क्लास प्रभुजी। so much, प्रभु जी बहुत नाइस क्लास प्रभु जी थैंक यू सो मच बाबू जी एंड नॉट करना अलग प्रणाम प्रभु जी